हाय फ्रेंड्स, यामाहा FZS V3 डीलक्स वेरिएंट में आपको FI मिलता है और ये FI स्टैंडर्ड हो चुका है। अब FZS में तो स्टैंडर्ड ही है, सब में मिलता है, सभी मॉडल में मिलता है। तो इसमें बार बार एक प्रॉब्लम आ रही है, जो इंजन चेक लाइट है वो पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा सा भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये इंजन चेक लाइट जो है ये हमेशा इंडिकेट करते रहता है, कंटिन्यूसली जल रहा है। जबकि इसका काम ये है कि अगर इंजन ऑन करो, इग्निशन जब भी ऑन करो तो ये एक बार चेक कर कर सभी सेंसर काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके बाद इसको बंद हो जाना चाहिए। लेकिन ये पिछले एक साल में 3 बार ये लाइट की प्रॉब्लम आ चुकी है। और उसमें जब भी शोरूम बात करो सर्विस सेंटर में, तो वहाँ पर बताते हैं कि ये जो है इंजन चेक लाइट जल रहा है उसमें FI का कैलिब्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब FI ECU जो है उसमें चेक डाटा प्लग लगा के, और जो कंप्यूटर है यामाहा वाला, यामाहा जो रखते हैं वहाँ पे, उस पर मतलब कि चेक करते हैं क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसमें बहुत सारे सेंसर होते हैं जिसकी टेस्टिंग होती है उस टाइम। जैसे ये हो गया, देखिए ये हो गया स्पार्क प्लग वाला सेंसर ये, और ये हो गया ऑक्सीजन सेंसर हो गया, और भी बहुत सारे सेंसर होते हैं। तो उसमें ये टेस्ट मतलब उसमें बता देता है डिस्प्ले में कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन इस टाइम लगाकर 3 बार अभी तक ये प्रॉब्लम आ चुका है, और 3 बार में जब भी मैं गया हूँ शोरूम तो उसका 150 रुपया, 120 रुपया, कभी कभी 120 और कभी कभी 150 रुपया चार्ज लेते हैं। लेकिन उसमें अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि FI का कभी प्रॉब्लम आया ही नहीं है। अब FI की फ्यूल पंप में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जब भी फ़ोन करो तो बोलते हैं कि FI में प्रॉब्लम आ गया, आप एक बार आके दिखवा लीजिए। पिछला बार गया था तो इसका RPM, आइडियल RPM मीटर जो होता है जितना स्पीड में चलना चाहिए उससे कम था पिछला बार, और उसके बाद जब गया था तो आइडियल RPM से ज़्यादा था। तो मतलब RPM का प्रॉब्लम इसमें आ रहा था कि ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हो या फिर 100+ चले जाते हो तो ये सब आ जाती है प्रॉब्लम। या फिर उनका तो कहना था कि आप गिराए हो गाड़ी को कहीं, मतलब कि कहीं एक्सीडेंट वगैरह या फिर कुछ गड्ढे वड्ढे में बहुत ज़बरदस्त गया होगा तब ऐसा होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि 100+ एक बार इसमें गया हूँ, और उसके बाद से वो RPM जो था आइडियल RPM से ज़्यादा हो गया था स्पीड इसका। और एक बार तो पता नहीं क्यों, मतलब जब ख़रीदे थे उसी टाइम में मतलब ये प्रॉब्लम आ गया था कि आइडियल RPM से नीचे कम हो गया था, लो हो गया था, उसके कारण भी ये इंजन चेक लाइट जल रहा था। और इस बार देखते हैं, जाते हैं शोरूम में पता करते हैं कि इसमें कि क्या इस बार किस वजह से ये इंजन चेक लाइट जल रहा है। इस बार तो जलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जाकर देखते हैं कि क्या कहते हैं शोरूम में। और ये जब भी ऐसे तो सर्विसिंग जब 4 सर्विसिंग जो कंपनी फ्री देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें लेबर चार्ज नहीं इंक्लूड होता है, सिर्फ आपके जो पार्ट्स लग रहे हैं उसके लगते हैं। तो उसमें मुझे कहा गया था शोरूम में कि आपको सेकेंड सर्विसिंग और फोर्थ में, सेकेंड और फोर्थ में आपको ये जो FI वाला है वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, मतलब कैलिब्रेशन करके देख लेंगे, चेक करके देख लेंगे कि क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ एक बार फ्री हुआ है, मेरा 3rd सर्विसिंग हो चुका है, 4th भी अब कुछ 1 महीना में होगा, 4th सर्विसिंग भी। और ये लेकिन एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, बाकी 2 बार जब मैं कराया हूँ तो मुझे 120 या फिर 150 रुपया देना पड़ा है। तो इस बार भी एज यूजुअल जो भी होता है कि देना ही पड़ेगा। अब 150 लेते हैं कि 120 लेते हैं वो उन पर डिपेंड है, जितना बोलते हैं, क्योंकि कहीं रेट तो लिखा हुआ होता नहीं है कि FI का क्या लगता है, कितना लगता है, और ना कहीं मेंशनड है। तो जो मांगते हैं वो देना पड़ता है। ये गाड़ी देखिए अभी 7,960 किलोमीटर चल चुका है, और 1 महीने में मतलब 14 फरवरी को इसका 4th सर्विसिंग है। हालांकि 10,000 पे होना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ पीछे चल रहा है ये। और इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस समय समय में आपको बताते जा रहा हूँ, इन्फॉर्म करते जा रहा हूँ। और ये देखते हैं शोरूम में जाकर कि क्या बोलते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर जितना चार्ज करेंगे उतना तो देना ही पड़ेगा। और चलिए शोरूम जाकर फिर बात करते हैं। चलिए शोरूम में जाकर देखते हैं, और शोरूम में जो भी होता है क्या वो बोल रहे हैं, अगर पॉसिबल होगा, अगर अलाउ होगा कि आपको सुना पाएँ तो मैं सुनाऊंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। तो देखते हैं कि इस बार क्या प्रॉब्लम आया है, और इस बार क्या कितना चार्ज वो लोग कर रहे हैं।
हालांकि फोर्थ सर्विसिंग में फ्री होना चाहिए, लेकिन मैं अभी फोर्थ सर्विसिंग कराऊंगा नहीं, क्योंकि अभी टाइम है और किलोमीटर भी कम ही है, तो जिस टाइम होगा उसी टाइम मैं देखूंगा जाकर। तो देखते हैं जाकर कि क्या वो लोग चार्ज करते हैं और क्या इस बार बोलते हैं कि क्या हुआ है आपके बाइक में, कहाँ कुदा दिए हो, कहाँ गिरा दिए हो, यही सब बोल के निकल जाते हैं। चलिए देखते हैं। शोरूम से जाकर आ गया मैं, ये प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट हो चुकी है, और वहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और ये जो प्रॉब्लम आ रहा था उसमें वही सिस्टम में लगाकर चेक किया गया, तो ये देखिए इंजन चेक लाइट जो है, देखिए अब बंद हो रहा है। पहले था कि कंटिन्यूसली चल रहा था, तो अब ये बंद हो चुका है। अब देखिए चला और ये बंद हो जाए। तो मैंने पूछा उनसे कि ये तीसरी बार है मेरी गाड़ी में ऐसे बार बार क्यों हो रहा है, तो वो बताया कि कभी कभी आरपीएम ज़्यादा हो जाने से भी ऐसा होता है, थ्रोटल अगर फुल दे दिया बिना गियर में लगाया जैसे होता है मॉर्निंग टाइम में, और अगर स्टार्ट में जैसे क्लच वगैरह अगर स्टार्ट हुआ मॉर्निंग में, कोल्ड स्टार्ट इसको बोलते हैं, तो उसमें अगर नहीं हुआ बाय मिस्टेक स्टार्ट इंजन, तो फिर उसको बार बार बिना रोके बिना समय टेकिंग टाइम लिए हुए बार बार सेल्फ मारने से भी सब ये प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल है, इसमें पता नहीं नॉर्मल कैसे है, बोले कि इसे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जब मैं पूछा था पहले एक बार तो बोल रहे थे कि FI अगर ख़राब होगा तो माइलेज नहीं दे पाएगा, सेंसर भी हो सकता है कुछ जला हुआ होगा, लेकिन अभी बोल रहे थे कि नॉर्मल है। तो और इसमें चार्ज नहीं लगा, हालांकि पिछले दो बार मुझे 125 और 150 रुपये लग चुका था, लेकिन इसमें बोले कि नहीं फ्री ऑफ इसमें चार्ज नहीं लगता है। तो पता नहीं वहाँ कैसे लग गया, इस शोरूम में तो गए थे तो नहीं लगा, और प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हो चुका है। अब ये ठीक है, अब ये प्रॉपर वर्क कर रही है, तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही थोड़ा सा मन में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या कोई सेंसर जल गया या फिर FI पंप ख़राब है, तो इसीलिए ये करवाना भी ज़रूरी था। और बाकी सब कुछ ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।